Hey guys, welcome back to our channel. My name is Rajnandini and today we are going to discuss worksheet 2 of chapter 2, question number 1. So guys, without any further, do let's begin the video. So guys, here is our first question. 6 by 7 minus 5 by 7. So इसमें हमें minus करना है. ये easy है. ऐसा question हमने पहले ही बना चुका है. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ minus यहाँ है और minus यहाँ है. तो minus minus क्या होता है guys? प्लस होता है. इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लस लिखेंगे, यानी 6 प्लस 5 बाई 7. यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं. तो 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11 बाई 7. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइज. 5 बाई 24 माइनस 7 बाई 36. इन दोनों का एलसीएम लेंगे पहले हम लोग 24 और 36 का. तो 72 एलसीएम आएगा. देन 72 को 24 से डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उसको 5 से इंटू करेंगे. सेम प्रोसेस इस साइड भी करेंगे. उतना करने पर 15 माइनस 24 आएगा. उसके बाद बाई 72, सॉरी 24 नहीं 14 आएगा. 15 में से 14 को माइनस करेंगे तो 1 बाई 72 आएगा. ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन गाइस. 9 बाई 10 माइनस 7 बाई माइनस 15. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं माइनस जो है वो डिनोमिनेटर में, तो इसलिए पहले हम लोग माइनस को न्यूमिनेटर में लाएंगे, यानी कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. देन माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है. 10 और 15 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 30 आएगा. 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, देन जितना भी आएगा उसको 9 से इंटू करेंगे तो 27 आएगा. सेम इस साइड करेंगे, यहाँ माइनस माइनस है इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लिखा है. तो 27 प्लस 14 बाई 30 इज इक्वल टू 41 बाई 30 इज आवर आंसर. ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन गाइज. फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? माइनस 3 बाई 8 माइनस 6 बाई 20. यहाँ पे भी माइनस माइनस है तो जहाँ भी माइनस माइनस दिख रहा है डायरेक्टली हमारे दिमाग में ये आ जाएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है. तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 80 और 20 का, तो 40 आएगा. 40 को 8 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको माइनस 3 से इंटू कर देंगे तो माइनस 15 आएगा. देन माइनस माइनस प्लस, यहाँ हमने प्लस लिखा है. उसके बाद 12 माइनस 3 बाई 40 इज आवर आंसर. सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेटे कैन. बाय बाय.